माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सदा, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, टीम के जाने से पहले आपने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन भी किया, मनोबल भी बढ़ाया और भारत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत का मान सम्मान भी बढ़ाया, तिरंगे की मानशान भी बढ़ाई। यही नहीं सर, आपने उसके बाद आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो या भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल थॉमस कप में जीतने का काम किया हो, आपने सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनका भी मनोबल बढ़ाया। दुनिया के शायद ही किसी देश में ऐसा होता हो जहां देश के प्रधानमंत्री वहां के खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हो, चाहे वो मेडल जीत कर लाए या ना लाए, टूर्नामेंट से पहले हो या बाद में हो, सदा आपने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने का काम किया। जब से आप देश के प्रधानमंत्री बने, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से एलिट एथलीट्स को देश और दुनिया में ट्रेनिंग की सुविधाएं मिली, यहां तक कि आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी मिला। इस बार भी सर, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम बाउंड जो एथलीट्स हैं, इनके 111 एक्सपोजर ट्रिप्स हुए सर, ये आपके ही आशीर्वाद से हो पाए, किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। साई के जो हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां पर भी साल भर खिलाड़ियों के कैंप्स और बाकी में चले। सर, आपने पिछले कुछ वर्षों में खेलों का बजट दोगुना नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा किया है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी खिलाड़ियों से आपका उसके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे खिलाड़ी उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए। आप पार्लियामेंट सेशन के बावजूद भी अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, मैं एक बार फिर सबकी ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय खिलाड़ियों से एक एक करके बातचीत करें। आपका बहुत बहुत आभार।